18 तारीख से गूगल पर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है इंडेक्सिंग को लेकर। अभी बहुत से लोगों को एक इरर आ रहा है गूगल सर्च कंसोल के अंदर कि होस्ट लोड एक्सीडेड दिखा रहा है और कोई भी आर्टिकल जो है वो 18 तारीख से यहाँ पे इंडेक्स ही नहीं हो रही है। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए बहुत सारे वीडियोज लोगों ने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी तरीका काम नहीं करने वाला है, आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये गूगल की तरफ से है। और लेकिन अभी गूगल कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ये प्रॉब्लम हाँ पाई गई है, लेकिन बहुत से यूजर को ये प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही साथ कभी कभी क्या हो रहा है ना, कोई URL जो है 18 तारीख के बाद से या 18 तारीख को जो लिखा गया है पोस्ट, वो अचानक से इंडेक्स दिखा रहा है गूगल सर्च कंसोल के अंदर, और अचानक से अगर हम उसे रीटेस्ट कर रहे हैं, लाइव टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वो गूगल पर अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। और कभी कभी तो बहुत सारे इरर भी आ रहे हैं, जैसे काफ़ी वर्ड स्मॉल है और साथ ही साथ क्लोजर है, बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट्स जो हैं वो क्लोजर हैं, और भी बहुत सारे इरर आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मोबाइल यूजेबिलिटी इरर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साइट पे, फिर भी वो दिक्कत दिखा रहा है गूगल सर्च कंसोल में। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं आप फॉलो करेंगे, लेकिन ये उस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है गूगल के एंड से है, और गूगल जब इसे फिक्स करेगा तभी ये फिक्स होने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे अपनी साइट को चेक कर सकते हो कि आपकी साइट पे ये इशू आया है या नहीं आया है, और साथ ही साथ कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए इस सिचुएशन में, ताकि आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो कम ना हो। और देखो, ट्रैफिक तो थोड़ा बहुत कम होगा जो लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे एवरग्रीन कंटेंट पे काम करते हैं उन्हें बेसिकली फ़ायदा होगा, इससे थोड़ा उनको इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। गूगल बोल रहा है कि नॉर्मली इंडेक्सिंग वगैरह जो भी है वो हमारा नॉर्मल है, और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग टूल को लेकर उन्होंने बोला है कि उसमें हम लोग कुछ यहाँ पे स्पैम वगैरह जो कर रहे हैं उनको, उनकी इंडेक्सिंग को हम यहाँ पे रोक रहे हैं, ऐसा गूगल का कहना है। लेकिन अभी चलिए देखते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे चल के कि कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं अगर आपके पोस्ट जो है इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल सर्च कंसोल में जाना है, और गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट पे क्रॉलिंग हो रही है कि नहीं। पहले क्या होता है ना, वही चेक कर लेते हैं क्रॉल हो रहा है कि नहीं साइट। तो सेटिंग में आपको जाना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉल स्टैट्स दिखेगा, ओपन करिए रिपोर्ट को। रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना क्रॉलिंग पूरा दिखाएगा। अगर ये मान लेते हैं पीक पर था और अचानक से एकदम नीचे आ गया है, डाउन हो गया है, जीरो क्रॉलिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपके आर्टिकल भी इंडेक्स नहीं हो रहे हैं जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, तो आपकी साइट पे ये इशू है ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देखो ना होस्ट स्टेटस, आप इस पर क्लिक करो और देखो यहाँ पे होस्ट स्टेटस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि अभी ये ओपन हो रहा है तो देखो यहाँ पे मेरे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, robots.txt भी सही है, DNS भी सही है, सर्वर कनेक्टिविटी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप चेक कर लो, अगर यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली आपकी साइट इंडेक्स हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका क्रॉलिंग जो है, क्रॉल रेट वो डाउन हो गया, अचानक से ऊपर था अचानक से जीरो हो गया है, या कुछ आ रहे हैं 4-5 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे इंडेक्सिंग इशू हो चुकी है। अब क्या आपको करना है इस सिचुएशन में, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, फोकस ऑन साइट स्पीड, अपनी साइट की स्पीड पे ध्यान देना है। आपकी साइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। बहुत सी जो नॉर्मली जो इस चीज़ को, अगर होस्ट लोड एक्सीडेड का एरर आता है तो नॉर्मली हम यही सारी चीज़ें देखते हैं, और सबसे पहले उसमें साइट की स्पीड आती है। आप अपनी साइट की स्पीड को अच्छा रखिएगा। दूसरा क्या करना है कि आपको जो गूगल सर्च कंसोल के अंदर है, डोंट यूज रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग टूल, तो जो ये सर्च कंसोल के अंदर ये रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का टूल आता है ना, वो आप नहीं यूज करोगे। ठीक है, URL इंस्पेक्शन में जाके जो टूल यूज करते हैं हम, वो आपको यूज नहीं करना है। उससे गूगल इसे स्पैम की तरह मान लेगा और आपके पोस्ट इंडेक्स करना बंद कर देता है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर यूज नहीं करना है अभी के टाइम पे, तो यूज ही मत करो। तीसरा क्या है कि कीप राइटिंग एवरग्रीन कंटेंट।
अभी देखो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर अगर आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है वो कीवर्ड जो है 24 से 48 घंटे चलते हैं ट्रेंडिंग कीवर्ड जो होते हैं, और कुछ टाइम बाद उनका ट्रेंड डाउन हो जाता है तो आप कोई भी अर्निंग नहीं कर पाते हो, कोई भी ट्रैफिक नहीं जनरेट कर पाते हो, क्योंकि आपके पोस्ट ही इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो गूगल में कोई भी यूजर कैसे पहुँचेगा उस साइट उस कंटेंट पर। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, ऐसे कंटेंट लिखना है जो एवरग्रीन है और लंबे समय तक वो चलने वाले हैं। तो जब भी इंडेक्सिंग वाला इशू जब फिक्स होगा तो ये कंटेंट एवरग्रीन जो है वो रैंक करेंगे, आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो एवरग्रीन कंटेंट पे काम करिए चाहे आप ट्रेंडिंग कीवर्ड भले ही उठा रहे थे अब तक। फोर्थ नंबर क्या करना है, कॉन्टैक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर, अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करिए और उन्हें बताइए कि ये इरर आ रहा है। और अगर आपका इंडेक्सिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो होस्टिंग प्रोवाइडर आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो फिक्स कर देगा अपने एंड से, वो उनकी तरफ से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पांचवा आपको क्या करना है, डू प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग। अगर आप अच्छे से इंटरनल लिंकिंग करोगे तो आपके पोस्ट जो होते हैं ना वो एक दूसरे से इंटरनल लिंक होने की वजह से वो क्रॉलिंग अच्छा हो जाता है, गूगल क्रॉल अच्छे से कर पाता है, और आपके जो लेटेस्ट पोस्ट होते हैं वो भी इंडेक्स हो जाते हैं ड्यू टू इंटरनल लिंकिंग। तो ये इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। और किसी जो ऑल्ट टेक्स्ट होता है ना उस पर आप इंटरनल लिंकिंग करो, ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया ये भी पढ़ें और उसके अंदर नीचे आपने चार पांच पोस्ट आपने दे दिए और वहाँ से इंडेक्स होगा, नहीं, आपको पोस्ट के अंदर किसी किसी टेक्स्ट पे आपको इंटरनल लिंकिंग करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, डोंट चेंज एनीथिंग। आपको अपनी वेबसाइट पे कुछ भी चेंज नहीं करना है अभी के टाइम पे, आप वेट करो। और ये ऊपर जो पॉइंट मैंने बताया इसे आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हो। और डोंट चेंज एनीथिंग, आप इंडेक्सिंग करवाने के लिए अपनी साइट पे थीम वगैरह मत बदलिए, कोई भी यहाँ पे कोड वगैरह मत यूज करिए, नॉर्मली आप ऐसे रहने दीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है ना कुछ टाइम बाद फिक्स हो जाएगी। तो जो लोग भी यहाँ पे इंडेक्सिंग इशू को फिक्स करने के बारे में अभी बता रहे हैं, ये होस्ट लोड एक्सीडेड एरर को फिक्स करने के बारे में बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा, आप केवल अपना टाइम वेस्ट करेंगे। धन्यवाद।